तो चलिए आज जान लेते हैं कि यूरिक एसिड को तुरंत ख़त्म करने के लिए क्या खाना चाहिए। नंबर दो, कौन सी चीज़ खाना हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा देती है। नंबर तीन, कौन सी आदतें किडनी फेल का खतरा बढ़ा देती है। नंबर चार, पाचन तंत्र को अंदर से मजबूत करने के लिए क्या करें। नंबर पाँच, तेज़ी से वजन कम करने के लिए कितनी रोटी खानी चाहिए। नंबर छः, नपुंसकता रोग क्या है और यह क्यों हो जाता है। और नंबर सात, किस आदत की वजह से मर्दों में कमजोरी आती है। तो चलिए पहले जानते हैं नंबर एक, यूरिक एसिड को तुरंत ख़त्म करने के लिए क्या खाना चाहिए। जैसे नंबर एक, करी पत्ते का सेवन करें। यह फॉलेट का बेहतरीन सोर्स होता है और शोध इस बात को साबित करते हैं कि फॉलेट का सेवन करने से यूरिक एसिड की मात्रा कम होती है। नंबर दो, अमरूद का सेवन करें। विटामिन सी का बेहतरीन स्रोत अमरूद भी यूरिक एसिड को कम करने के लिए जाना जाता है। इसे डाइट में शामिल कर हाई यूरिक एसिड से बचा जा सकता है। नंबर तीन, हल्दी का सेवन करें। हल्दी भारतीय खानपान में इस्तेमाल होने वाला एक लोकप्रिय मसाला है। एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर हल्दी बढ़े हुए यूरिक एसिड के लेवल से लड़ने के लिए शरीर को तैयार रहती है। नंबर चार, फ्लैक्स सीड का सेवन करें। ओमेगा थ्री फैटी एसिड युक्त फ्लैक्स सीड या अलसी के बीज भी बढ़े हुए यूरिक एसिड के लेवल को कम करता है। नंबर पाँच, अदरक का सेवन करें। एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर अदरक में जिंजरोल और शोगाओल नाम के एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट पाया जाता है, जो यूरिक एसिड के लेवल को कम करने के लिए जाने जाता है। नंबर छः, नींबू का सेवन करें। विटामिन सी युक्त नींबू शरीर के अंदर जाने वाले एल्कलाइन में बदलाव करता है, जिससे शरीर में कैल्शियम कार्बोनेट बनने लगता है। यह कैल्शियम यूरिक एसिड्स के बॉन्ड बढ़ाकर इसे पानी और अन्य कंपाउंड में तोड़ता है। इससे ब्लड कम एसिडिटी होता है और शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा भी कम होती है। अब हम आपको बताते हैं नंबर दो, कौन सी चीज़ खाना हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा देती है। जैसे नंबर एक, अधिक चीनी वसा और नमक वाले खाद्य पदार्थ आपके दिल के दौरे और स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। अगर आप अपने दिल को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो इन चीज़ों का सेवन बहुत या कम ही करना चाहिए। इसके बजाय फल और साबुत अनाज, लीन प्रोटीन और सब्जियां, कम वसा वाले डेयरी उत्पादों का सेवन करें। नंबर दो, लाल मांस के अधिक सेवन से दिल के रोगों का खतरा बढ़ सकता है, जिससे आपको हार्ट अटैक आ सकता है। लाल मांस में सैचुरेटेड फैट की मात्रा अधिक पाई जाती है, जो खून की नसों में गंदा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकती है। जाहिर है कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ना दिल के दौरे को निमंत्रण देता है। नंबर तीन, बहुत अधिक मात्रा में सोडा या कोल्ड ड्रिंक जैसे मीठे पेय पदार्थों का सेवन करने से सिर्फ हार्ट अटैक का ही नहीं बल्कि डायबिटीज़, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर और मोटापे का खतरा भी बढ़ जाता है। दिल को स्वस्थ रखना है तो इन चीज़ों से बचें और सादा पानी, नारियल पानी, नींबू पानी जैसे पेय पदार्थों को डाइट में शामिल करें। नंबर चार, सफ़ेद चावल, ब्रेड और पास्ता चीनी में बदल जाता है और वजन बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। मैदा से बने चावल, ब्रेड, पास्ता और स्नैक्स में फाइबर, विटामिन और मिनरल्स की कमी होती है। यह चीज़ें शुगर में बदल जाते हैं, जिससे आपका शरीर वसा के रूप में ले लेता है। जाहिर है कि वसा हृदय रोग और हार्ट अटैक के लिए एक बड़ा खतरा होता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर तीन, कौन सी आदतें किडनी फेल का खतरा बढ़ा देती है। जैसे नंबर एक, काफ़ी देर तक यूरिन रोक कर रखना। आमतौर पर जब हम सफ़र में होते हैं या फिर सुबह देर तक बिस्तर छोड़ना चाहते हैं तो ऐसे में हम काफ़ी देर तक यूरिन को रोक कर रखते हैं। खासकर मार्केट या सड़क किनारे पब्लिक टॉयलेट न मिलने के कारण महिलाओं की मजबूरी बन जाती है कि वो यूरिन रोक कर रखें, लेकिन ऐसा करने से किडनी पर प्रेशर पड़ता है, जो खतरनाक है। नंबर दो, पानी कम पीना। हमारे शरीर का ज़्यादातर हिस्सा पानी से बना है, इसलिए बॉडी को दिन भर हाइड्रेट रखना बेहद ज़रूरी है। इससे बॉडी के तमाम अंग सही तरीके से काम कर पाता है। अगर शरीर में पानी की कमी हो जाएगी तो विषाक्त पदार्थ बाहर नहीं निकल पाएंगे। किडनी के लिए गंदगी को साफ करना मुश्किल हो जाएगा, इससे किडनी स्टोन होने की आशंका बढ़ जाती है। नंबर तीन, किडनी खराब करने वाले फूड्स खाना। किडनी की सेहत को ख़राब करने के लिए हमारा खानपान काफ़ी हद तक ज़िम्मेदार है, इसलिए कोशिश करें कि हरी सब्जियां, ताजे फल, फ्रूट जूस जैसी हेल्दी चीज़ें ही खाएं और अनहेल्दी फूड से परहेज करें। अगर वैगन, सॉसेज, हॉट डॉग, रेड मीट और बर्गर, पेटीज, पिज़्ज़ा और प्रोसेस्ड आइटम खाता है तो इससे किडनी को काफ़ी नुकसान पहुँचता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर चार, पाचन तंत्र को अंदर से मजबूत करने के लिए क्या करें। जैसे नंबर एक, भोजन को अच्छी तरह चबाएं। पाचन तंत्र को मजबूत बनाने का सबसे आसान उपाय है आप जो कुछ भी खाते हैं उसे अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं। हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो आपका भोजन आधे से ज़्यादा आपके मुँह में ही पचने योग्य हो जाता है। आप जितना अच्छी तरह और धीरे धीरे भोजन को चबाते हैं तो उसमें लाल अच्छी तरह से मिल जाती है, जो भोजन के बेहतर पाचन में सहायता करती है और पाचन को मजबूत बनाती है, क्योंकि हमारी राल में पाचन एंजाइम होता है।
नंबर दो, गर्म पानी पीने से दिन की शुरुआत करें। अगर आप सुबह गुनगुने पानी से दिन की शुरुआत करते हैं तो यह न सिर्फ आपकी पाचन क्रिया को मजबूत बनाने में मदद करता है बल्कि टॉक्सिन को बाहर निकालने में भी मदद करता है। यह अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में बहुत सहायक है। आप चाहे तो जीरे के पानी में शहद और नींबू का रस मिलाकर भी सेवन कर सकते हैं, इससे बहुत लाभ मिलेगा। नंबर तीन, फाइबर रिच फूड्स का सेवन करें। कोशिश करें कि आप फाइबर से भरपूर फूड्स जरूर खाएं क्योंकि फाइबर आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये पेट संबंधी समस्याओं से छुटकारा दिलाने में भी मदद करता है। ड्राई फ्रूट, नट्स, बीज, साबुत अनाज, दाल, सोयाबीन, राजमा, छोले आदि में फाइबर अच्छी मात्रा में होता है। नंबर चार, लंच में दही या छाछ पिए। दही और छाछ दोनों ही बेहतरीन प्रायबायोटिक्स में से एक है। प्रायबायोटिक्स आंत में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करता है और पाचन शक्ति को बढ़ाता है। यह मेटाबॉलिज्म को तेज करने में भी मददगार है, इसलिए आपको दोपहर के भोजन के साथ ही दही या छाछ का सेवन जरूर करना चाहिए। नंबर पाँच, हर्बल चाय जरूर पिए। पाचन शक्ति को मजबूत बनाने के लिए आप पुदीना, अजवाइन, जीरा, दालचीनी, कैमोमाइल टी, ग्रीन टी आदि जैसे हर्बल चाय का 7 दिन की शुरुआत कर सकते हैं। आप चाहे तो इनका सेवन भोजन के बाद भी कर सकते हैं। ये हर्बल टी या चाय पाचन शक्ति को बढ़ाने और भोजन के बेहतर पाचन में सहायता करती है। चलिए अब जानते हैं नंबर पाँच, तेजी से वजन कम करने के लिए कितनी रोटी खानी चाहिए। दरअसल कितनी रोटी खानी चाहिए यह मुख्य रूप से आपके शरीर की कब आवश्यकता पर निर्भर करता है। कब ज़्यादातर शरीर को दूध, चीनी, सोडा, तेल आदि चीज़ों से उपलब्ध होता है। ऐसे में अगर डाइट में इन चीज़ों की मात्रा ज़्यादा हो तो रोटी कम खानी चाहिए। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो यह ज़रूरी है कि कितनी रोटी खानी चाहिए। पुरुषों और महिलाओं के लिए रोटी की मात्रा अलग अलग होती है। जिन महिलाओं का डाइट प्लान दिन में 1400 कैलोरी का सेवन करना है उन्हें 2 रोटी सुबह और 2 रोटी शाम को खानी चाहिए। तो अगर किसी आदमी का डाइट प्लान 1700 कैलोरी का है तो वह लंच में और डिनर में 3-3 रोटी खा सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं नंबर छः, नपुंसकता रोग क्या है और यह क्यों हो जाता है। दरअसल नपुंसकता रोग में पुरुषों के गुप्तांग में उत्थान नहीं होता है जिसके कारण पुरुषों में पुरुषार्थहीनता आ जाती है, जिसके फलस्वरूप वह संबंध बनाने के दौरान स्त्री को संतुष्ट करने में और संतानोत्पत्ति में अक्षम है। इसके कारण भी कुछ हो सकता है जैसे अत्यधिक दवाइयों का प्रयोग, नशीले पदार्थों का सेवन, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ब्लैडर का कैंसर, तंत्रिका तंत्र के रोग, कोई चोट न लगना आदि। सिगरेट पीने से नपुंसकता तो नहीं आती पर शुक्राणुओं की फर्टिलिटी प्रभावित होती है। यदि किसी कारणवश धमनी असंकरी हो जाती है तो शिराओं में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है जिससे पुरुष गुप्तांगों के उत्थान के लिए पर्याप्त ब्लड की मात्रा नहीं मिल पाती है जिससे यौन क्षमता में रुकावट पैदा होने लगती है। गुप्तांग में पर्याप्त रक्त प्रवाह के बिना आप इरेक्शन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं नंबर सात, किन आदत की वजह से मर्दों में कमजोरी आती है। दरअसल ज़्यादातर पुरुषों की यह चाहत होती है कि शादी के बाद उनकी ज़िंदगी खुशहाल हो, लेकिन अगर उनको शारीरिक कमजोरी आ जाए तो मैरिड लाइफ में करवाहट पैदा हो जाती है। ज़्यादातर मामलों में ऐसा बिजी लाइफस्टाइल और अनहेल्दी फूड की आदतों की वजह से होता है। ऐसी ही एक आदत है शराब का सेवन। मौजूदा दौर में यह जीवन शैली का एक ट्रेंड बन गया है, लेकिन इससे होने वाले नुकसान को लेकर हम में से ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। शराब पीने से न सिर्फ मेल फर्टिलिटी पर बुरा असर पड़ता है बल्कि इससे यौन क्षमता भी प्रभावित होती है। शराब के सेवन से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम होने लगता है, साथ ही वैसे हार्मोन का बैलेंस बिगड़ता है जो स्पर्म के निर्माण में योगदान देते हैं। एल्कोहल के असर से हेल्दी स्पन का शेप, साइज और ट्रैवलिंग की आदत कम होने लगती है। शराब पीने से टेस्टिंग का साइज सुकड़ने लगता है जिसका सीधा असर मेल फर्टिलिटी पर पड़ता है। शराब पीने से एजुकेशन कम हो सकता है या प्रीमेच्योर एजुलेशन का खतरा बढ़ जाता है। अगर शराब पीना छोड़ दिया जाए तो 3 महीने में खुद ब खुद हेल्दी स्पन का प्रोडक्शन शुरू हो सकता है।